नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज। राजस्थान के अजमेर में दृष्टिबाधित बालिकाओं की हरी सेन द्वारा निःशुल्क हेयर कटिंग की गई। अजमेर के राजस्थान में प्रथम पहल लाडली घर में दृष्टिबाधित छात्राओं की आज गोपीदास सैलून के मालिक हरी सेन ने निःशुल्क हेयर कटिंग की। इनके साथ ही हरी सेन ने बताया कि उन्होंने एक वर्ष से 10 साल तक की बच्चियों की निःशुल्क हेयर कटिंग के साथ ही उन्होंने दृष्टिबाधित कन्याओं की निःशुल्क हेयर कटिंग करने का संकल्प लिया है। अजमेर से ब्यूरो हेड हीरालाल नील की रिपोर्ट। आज क्या कार्यक्रम? आज लाडली घर में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्राओं को अपनी सेवा देने के लिए अजमेर के सुप्रसिद्ध हरी सेन भैया पधारे, जिन्होंने यहाँ 10 साल से लेकर के 6 साल तक की बच्चियों का 20 बच्चियों का निशुल्क हेयर कटिंग किया। हरी भैया वास्तव में एक अच्छे समाज सेवी हैं, जो पूरे सेन समाज का नाम रोशन करते आए हैं। ये 60 वर्ष के ऊपर जो वृद्ध लोग हैं उनको भी निशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं और अनेक संस्थाओं में जाकर के ये समय समय पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। आज कितनी बच्चियों के हेयर कटिंग निशुल्क की गई? 20 बच्चियों की हेयर कटिंग इन्होंने की और बड़े भाव प्रेम और श्रद्धा से। इन्हें देख के ऐसे लगता है कि ये सेवा के साथ साथ लगता है कि ये भगवान के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। जिनका भाव है, जिस तरह एक मंदिर में बैठ के हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, ऐसे इन बच्चियों के साथ जब ये हेयर कटिंग कर रहे थे, ऐसा भाव लग रहा था किस तरह छोटी छोटी गुड़ियाओं को देवी स्वरूपा बच्चियों के बड़े भाव से हेयर कटिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं सेट कराने पड़ेंगे। आगे आ रहे बाल सुंदर सुंदर, अजीब से आगे आ रहे तेरे। वैसे तो सबके बच्चे बेटा ट्रिमिंग करेंगे तेरे, मम पुष्पा ट्रिमिंग करेंगे, कटाएंगे नहीं बेटा। वीडियो बना सबसे रोके गड़ा वाला पिया के झूला ना नीलम के मुझे बोलो कैसे कपड़े का अच्छा करना भी अच्छा करता। लो माता जी, दर्शक लोग ज्यादा।